पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक बहुत ही अनोखी अभिनेत्री की, जिसने फिल्मों में तो काम किया और हिंदी फिल्मों के अलावा मलयालम फिल्मों में भी ये नजर आई, लेकिन रामानंद सागर साहब के रामायण सीरियल की ये सीता बनी और सीता माँ का किरदार इन्होंने बखूबी निभाया और सदा सदा के लिए अमर हो गईं। नाम है इनका दीपिका चिखालिया। जन्म 29 अप्रैल सन 1965 में हुआ। मुंबई के बड़े ही शानो शौकत भरे इलाके बांद्रा के पाली हिल में इनका बचपन बीता, पर रामायण सीरियल में काम करने से पहले ही ये अभिनेत्री बन चुकी थीं। इनकी एक फिल्म आई थी सुन मेरी लैला, जो कि सन 1983 में आई। इनके हीरो थे राज किरण। पर सन 1987 तक कोई बड़ा किरदार इनके हाथ ना लगा। हालांकि फिल्मों में इन्होंने बहुत काम किया, पर टेलीविजन सीरियल्स ने इन्हें ज्यादा मकबूलियत दी। 80 की दहाई के मध्य में एक सीरियल आया करता था दादा दादी की कहानी, और उसी दौरान आया था विक्रम और बेताल। ये दोनों ही सीरियल रामानंद सागर साहब ने बनाए थे। एक दिन इन सीरियल्स की शूटिंग के दौरान इन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। इन्होंने सवाल किया तो पता चला कि लव कुश के किरदार के लिए बच्चों का स्क्रीन टेस्ट हो रहा है। तब रामानंद सागर साहब ने कहा कि दीपिका, तुम भी क्यों नहीं हमारे रामायण टीवी सीरीज के लिए स्क्रीन टेस्ट देती हो। ये स्क्रीन टेस्ट के लिए पहुंची तो वहां पे बहुत सी लड़कियां पहले से ही मौजूद थीं। एक के बाद एक 4 स्क्रीन टेस्ट हुए और तब दीपिका जी को ये किरदार मिला। सीता माँ का किरदार वाकई बड़ा कठिन था, पर बड़ी सरलता से दीपिका जी ने निभाया। इन्होंने कुछ सपोर्टिंग रोल्स भी किए, जैसे कि भगवान दादा, काला धंधा गोरे लोग, दूरी, और कुछ फिल्मों में ये बतौर हीरोइन भी नजर आई, जिसमें 1986 की फिल्म चीख का उल्लेख करना जरूरी है। उसके बाद आई थी रात के अंधेरे में। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल ना दिखाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, पर 80 के दहाई के अंत में रामानंद सागर साहब का हिट टेलीविजन सीरियल रामायण जब पर्दे पर आया तो हर घर में दीपिका चिखालिया बतौर सीता माँ के रूप में मशहूर हो गईं। आलम यह था कि इनसे उम्र में बड़े लोग भी आकर इनके पांव छूते। इन्हें कई जगह उद्घाटन के लिए बुलाया जाता और इनके कदम बहुत ही खुशकिस्मत समझे जाते। टेलीविजन सीरियल्स में तो इन्होंने अपना दबदबा बना ही लिया था, चाहे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान रहा या फिर लव कुश, लेकिन हिट हिंदी फिल्मों से भी इनका ताल्लुक जुड़ा। घर का चिराग, जो कि सन 1979 में आई थी, और फिर ₹10 करोड़। हालांकि इनके किरदार छोटे थे, लेकिन राजेश खन्ना साहब के साथ इन्होंने फिल्मों में काम किया और वाकई बड़ी मकबूलियत हासिल की। अपने जमाने के मशहूर अभिनेता शंकर नाग के साथ ये नजर आई थी कन्नड़ा फिल्मों में और फिर एक बंगाली फिल्म में आशा ओ भालो भाषा, जिसमें जाने माने अभिनेता प्रसन्नजीत चटर्जी काम कर रहे थे। तमिल फिल्म नांगल में भी ये नजर आई। मलयालम फिल्म इथिले इनियम वारू में इन्होंने एक अच्छा किरदार निभाया, जिसमें ममूटी साहब मेन रोल निभा रहे थे। गुजराती फिल्मों से भी इनका ताल्लुक रहा। सन 2017 में टीवी सीरियल छुट्टा छेड़ा में भी ये नजर आई थी। ये बात भी किसी हद तक सही है कि सीता जी का किरदार निभाने के बाद दीपिका चिखालिया के पास उस तरह के ऑफर्स नहीं आए जो कि एक कमर्शियल हीरोइंस को मिलते हैं, पर आगे जाकर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। बड़ौदा शहर से इन्होंने बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़े और विजय हासिल की। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ हेमंत टोपीवाला साहब से, जो कि एक बहुत बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड के ओनर हैं। इस शादी से इन्हें 2 बेटियां हुईं, निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला। आज भी जब दीपिका चिखालिया जी का चेहरा सामने आता है तो पहला किरदार सीता जी का ही नजर आता है। भारतीय मनोरंजन जगत की ये सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक बनी। नाम है जिनका दीपिका चिखालिया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।